Hey learners, welcome to Unacademy. My name is Samir. I teach you English on this platform. अब बच्चे तुम सबके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि वोकैबुलरी कितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारी इस जर्नी में या फिर देखा जाए इस लास्ट फेज में अगर तुम क्लैट की तैयारी कर रहे हो या फिर क्लैट नहीं तो स्लैट की या फिर आईलेट की या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तुम कभी भी तैयारी कर रहे हो और वोकैबुलरी में बहुत डर लगता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं शायद तुम्हें वो वर्ड्स ना बताऊं मगर मैं वो सोर्सेस, वो तरीके और कौन कौन सी किताबें बहुत ज़रूरी होती हैं और कैसे वोकैबुलरी को याद रखना होता है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में एंड तक बात करेंगे। आई एम ब्रिंगिंग अप विद 5 pointers जिससे तुम्हारी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो सकती है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड यू, क्या वोकैबुलरी इम्पॉर्टेंट है, क्या ज़रूरी है? आंसर है हाँ भी, बट इट डिपेंड्स। क्यों? आओ इसका रीज़न जानते हैं। ये PYQ के पैसेजेस हैं, ये वर्ड्स हैं जो कि शायद किसी बच्चे को समझ में ना आए। अब मैं इन वर्ड्स का आपको मीनिंग दिखा देता हूँ। अब अगर आप इस पैसेज को पढ़ें थोड़ा ईजी लगेगा समझने में भी और रीड करने में भी। अगर मैं इन वर्ड्स को हटा दूं, क्या अब भी पैसेज ईजी लग रहा है? अगर आपका आंसर है हाँ तो वोकैबुलरी हो सकता है आपके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट ना हो। बट अगर आप बहुत घबरा रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा ऑथर की टोन क्या है, ऑथर कहना क्या चाह रहा है, आपका बिल्कुल से फ्लो चला गया है, देन आई थिंक वोकैबुलरी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और इस वीडियो को एंड तक देखें, और जिसका आंसर नहीं था कि नहीं हम समझ रहे थे वो भी इस वीडियो को एंड तक देखें, बिकॉज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कैसे वोकैबुलरी इम्प्रूव करना है, कैसे डेवलप करना है और कैसे याद रखना है इसके बारे में सारी डिटेल्स दूंगा। चलो पहला सवाल ये आना चाहिए कि वर्ड लिस्ट से पढ़ना चाहिए या बुक से। आंसर क्लियर है, बुक से, क्योंकि वर्ड लिस्ट काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। अगर मैं आपको बोलूं कि हमें जो मोस्टली मेजरली हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हमें प्रोवाइड करा देते हैं दे आर लाइक 500 इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर क्लैट एग्जामिनेशन, 1000 इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर क्लैट एग्जामिनेशन। अब ये जो एग्जाम के वर्ड्स हैं कभी कभार अगर तुम इसको रीड करने बैठोगे तो ऐसा लगेगा मिनी डिक्शनरी उठा ली है, हमें नहीं पता ये वर्ड्स कहाँ पे यूज़ होते हैं। अगर हमें सेंटेंसेस मिल भी जाएंगे तब भी हम रिलेटिविटी फैक्टर नहीं ढूंढ पाते, हमें ये नहीं पता ये किस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया या फिर किस आर्टिकल में यूज है या फिर इसका मेजरली हम लोग कहाँ कहाँ इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक वो जो लिस्ट होती है ना वर्ड और प्लेन मीनिंग की, ये काम नहीं करती अनटिल अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस दोस वर्ड। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि हम खुद से कैसे समझें कि कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है और कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल यही होता है कि आप PYQs पढ़ो। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे होते हो तो आपको पता होता है कि किस किस थीम से हमारे पास पैसेजेस आए हुए हैं, कहाँ कहाँ कौन से वर्ड्स ऐसे थे जिसमें आप फंस गए थे, क्या क्या वर्ड्स आपको समझ में आ रहे हैं, क्या क्या वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे, जो वर्ड आपने पास में पढ़ रखे हैं क्या वो भी आप वर्ड समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ रियलिटी चेक जो कि बहुत ज़रूरी होती है एज अ स्टूडेंट आई एम सेइंग टू यू, कि आपको पता रहे, कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको समझ मिलती है कि हाँ जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो बहुत सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि अगर कभी भी तुम्हें जानना है कि कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है तो किसी यूट्यूब से ज़्यादा PYQs पे ट्रस्ट करो और सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस पे ट्रस्ट करो, क्योंकि जो वर्ड्स पहले आ चुके हैं जिस थीम से वो बिलोंग करते हैं उस थीम से वापस पैसेजेस आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है रादर देन ब्लाइंडली किसी लिस्ट को फॉलो करना। थर्ड क्वेश्चन इज़ कि PYQs जो हैं वो प्रैक्टिस करें तो करें कहाँ से, कौन सी किताबें ऐसी इंपॉर्टेंट है जो कि PYQ के अलावा हमें ख़रीदनी है। तो लेट मी शो यू, देर आर सेवरल बुक्स जो कि आपको अभी स्क्रीन पर अपने दिख रही होगी कि आप अमेजोन में जाके सारे बुक्स को सजेस्ट कर सकते हो। पर्सनली अगर मेरी बात सुनो तो मेरे पास तो ये किताब है, मैं किसी ऑथर को ऐसे मतलब प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट आई विल डेफिनेटली से इफ़ आई हैव टू लाइक यू नो हैव एन अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जब क्वेश्चंस के हमें रखनी होती है कि प्रीवियस 14 ईयर्स के इस बुक में आपको प्रीवियस 14 ईयर्स के क्लैट और आईलेट के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो मेरे लिए तो ये एक डेस्टिनेशन है जिसमें मुझे अगर आईलेट के बच्चों को भी पढ़ाना है और क्लैट के बच्चों को भी पढ़ाना है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अंडरस्टैंड करना है, दिस बुक इज़ एक्चुअली अ वेरी लाइक यू नो हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि मुझे इसमें दिखता है कि सेक्शन बाय सेक्शन उन्होंने क्वेश्चंस डिवाइड कर रखे हैं। पहले सेक्शन में वोकैबुलरी मिल जाता है, देयर आर डिफरेंट पब्लिकेशन हाउसेस, आप उनकी भी किताबें सजेस्ट कर सकते हो सिमिलर पैटर्न में, वो भी सिमिलर मतलब फॉर्मेट में आपको मिली वो भी रहती हैं। मेरे पास तो ये किताब है, मैं इसको देखता हूँ, बस हाँ इसका थोड़ा सा डिलीवरी टाइम ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली कि ये डिमांड पे है मार्केट में कितनी नहीं। तो अगर आपको ये किताब मिल जाती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी और आपको ये वहाँ पे भी मिल जाएगी, अमेजॉन में भी मिल जाएगी, यू कैन गो फॉर दिस वन।
अब जैसे जैसे ये बढ़ रहा होगा आपको एक और चीज़ समझ में आ रही होगी कि इंपॉर्टेंट बुक्स है कौन कौन सी। दिस इज जस्ट PYQ जो मैंने आपको बताया, PYQ के 14 ईयर्स के क्वेश्चंस आपके पास आ गए। वो कैबलरी के लिए और कौन सी दो किताब बनती है? एक किताब देखा जाए वर्ड पार मेड ईजी, और उसी का एक और वर्जन है जिसको हम लोग उसके बेबी वर्जन कहते हैं, 30 डेज में इंग्लिश लर्न करो। सेम ऑथर नॉर्मन लुइस की ही वही किताब है, बट दोनों किताबों के अपने कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स हैं। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वर्ड पार मेड ईजी अगर एक्चुअली में बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो इट टेक्स एटलीस्ट 2 to 3 months टू कम्प्लीट दैट बुक। अंडरस्टैंडिंग द करेंट टाइम वी डोंट हैव दैट मच टाइम। आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर द सेकेंड वन, दैट इज लाइक यू नो प्रॉमिसिंग यू टू लर्न इंग्लिश ऑफ वोकैबुलरी इन 30 डेज। इट हैज सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्टेंट, बस वही है कि थोड़ा सा फिल्टर्ड है और आपके लिए बहुत एसेंशियल होगा। बट अगर आपको लगता है कि आप इतनी जल्दी वर्ड पार मेड ईजी कर लेते हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी में उसी किताब को रखो। अब जैसा कि मैंने तुम्हें PYQ के बारे में बता दिया, इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में बता दिया, तुम्हें सोर्सेज के बारे में बता दिया, तुम्हारी आधी डाउट्स तो मैंने यहीं पर सॉल्व कर दी। अब अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि हमें वोकैबुलरी नहीं याद हो रही, तो उसका एक ही तरीका है, दैट इज़ निमोनिक्स, प्रैक्टिसिंग निमोनिक्स, कि वर्ड्स को किसी रिलेटेबल एग्जाम्पल से याद रखना या फिर रिलेटेबल सिचुएशन से याद रखना। इट कुड बी एनी वर्ड, अगर आप उस वर्ड को किसी ऐसी फेमिलियर सिचुएशन पे अगर उसको रख देते हो, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ मर्की वर्ड का जिसका मीनिंग होता है डार्कनेस, अगर मैं तुम्हें बोलूँ खिड़की के बाहर अगर तुम्हें अभी रात हो रही है, खिड़की के बाहर तुम्हें अंधेरा दिख रहा है, तो तुम्हें बोलो ये बड़ी मर्की नाइट है, तो 3-4 बार इसको यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। या फिर किसी के करेक्टर सिक्स की अगर बात आ रही हो, बहुत ही एडवांस वर्ड्स लग रहे हैं, तो किसी ऐसे इंसान को जिसको तुम जानते हो उसके अराउंड वो वर्ड को रोटेट कर दोगे तो वो याद हो जाता है। अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि हाँ मतलब सर हमें मुश्किल आएगी PYQ वर्ड से एक्सट्रैक्ट करने में, वर्ड पार मेड ईजी को याद करने में, निमोनिक तरीके से वर्ड्स को रिमेंबर रिटेन करने में, आई थिंक तुम्हारे लिए फिर एक ही सजेशन है, मेरी क्लासेस को फॉलो करो। ये फ्री और पेड दोनों तुम्हें अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी। तो प्लीज़ अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि लास्ट मिनट में तुम पढ़ना चाहते हो किसी के एक्सपर्ट गाइडेंस में या किसी के मेंटरशिप में, आई एम ऑलवेज देयर। मेरे स्टूडेंट्स इसके गवाह हैं कि मैं उन्हें कितना डेडिकेटेडली पढ़ाता हूँ, उनके सपनों को कितना सीरियसली लेता हूँ। तो तुम कभी भी मेरी क्लास में आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें वो सारे लिंक्स मिल जाएंगे मेरे क्लास के, मेरे प्लेटफॉर्म के। तुम डेफिनेटली मुझे फॉलो भी कर सकते हो, स्क्रीन पे तुम्हें दिख ही रहा होगा मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल, इस पे जाना, मुझे फॉलो कर लेना, मेरी क्लासेस का पूरा शेड्यूल तुम्हें दिख जाएगा। और ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो ज़रूर लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और इस चैनल को फॉलो कर लेना। फ्यूचर में मेरे और वीडियोस आएंगे जिसमें मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा, ऐसे ही जैसे इस वीडियो में मैंने आपकी की है। ऑल दी बेस्ट बच्चों, आई नो अगर तुम इस साल अपीयर कर रहे हो, मैं रियली प्रे करता हूँ कि तुम ऑल इंडिया रैंक लेके आओ, इफ नॉट अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देके आओ, और बिल्कुल से पेपर के लिए अच्छे से पढ़ाई करना और गिव योर बेस्ट। हम सब तुम्हारे साथ हैं,